जब एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण बनने के लिए किया घोर तप। विश्वामित्र कुश राजा के वंशज होने की वजह से कौशिक कहे जाते थे। वो बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु गाय के देख कर लालायित हो गए और उस समय के नियम के अनुसार कामधेनु को रत्न बताकर राजा की संपत्ति होने का दावा किया। कामधेनु महर्षि वशिष्ठ के जीवन भर की तपस्या का फल थी और वह इसे जाना नहीं चाहती थी। तब कामधेनु और महर्षि वशिष्ठ ने विशाल सेना का निर्माण किया और महाराजा कौशिक को पराजित कर दिया। इससे आहत होकर कौशिक ने शिव आराधना शुरू की। शिव जी ने वरदान मांगने को कहा तो कौशिक ने सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए और दोबारा से महर्षि वशिष्ठ को युद्ध के लिए ललकारा। ऋषि ने अपने दंड से उनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए और उनके क्षत्रिय धर्म से श्रेष्ठ तो ब्राह्मणत्व है अधिकार है ऐसे क्षत्रिय धर्म पर। इस पर कौशिक ने ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। हजार वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन अब तो आप राजर्षि बन गए। इस पर कौशिक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी तपस्या में लीन रहे। अगले हजार वर्ष के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा कि अब आप महर्षि बन चुके हो। इस पर भी कौशिक संतुष्ट नहीं हुए। क्रोध के मारे राजा त्रिशंकु के लिए अलग ब्रह्मांड बना दिया। आखिर में देवताओं की विनती करने पर रुके परंतु क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था तो महर्षि ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर चले आए। पुष्कर आकर उन्होंने दोबारा से कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और मेनका को उनकी तपस्या भंग करने को भेजा। मेनका इसमें सफल भी रही और दोनों पति पत्नी की तरह रहे और शकुंतला नामक पुत्री के पिता भी बने। उसके बाद ग्लानि भाव से भरे हुए हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर उन्होंने भूखे प्यासे रहकर 1000 वर्षों तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने पर इंद्र ने ब्राह्मण भेष में आकर 1000 वर्षों के भूखे विश्वामित्र से भोजन मांग लिया। इस पर ते हुए कि वो ब्राह्मण नहीं इंद्र है उन्होंने क्रोध नहीं किया। परंतु जब उसके बाद रंभा आई तब तो उसे 10,000 सालों तक पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इतना होने पर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर किया और तपस्या प्रारंभ की। 1000 वर्ष के बाद उनके सर से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये देखकर इंद्र डर गए और ब्रह्मा जी से उनकी तपस्या रुकवाने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर पुकारा लेकिन विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वशिष्ठ ऋषि मुझे ब्रह्म ऋषि माने तो ही मैं तप करना छोड़ूंगा। तब वशिष्ठ आए और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि कह के बुलाया। तब जाकर उन्होंने तप समाप्त किया। साथ ही दोनों की शत्रुता मित्रता में बदल गई। ज्ञात हो कि दोनों ने प्रभु श्री राम को शिक्षा दीक्षा दी थी।